हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दिया करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दोस्तों बुरी तरीके से हरा दिया है। दोस्तों, इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी टॉस हार कर, और दोस्तों इंडियन टीम ने बल्लेबाजी में रन तो खूब बनाए, परंतु ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जैसे चेज किया, उन्होंने दिखा दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों कहलाती है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी टाइम पर ऐसा नहीं लगा कि चौक किया हो या मतलब डर कर खेला हो, जबरदस्त ठोक बजा के मैच जीता है दोस्तों। और इंडियन टीम के लिए काफी गेंदबाजी तो काफी साधारण रही दोस्तों। और भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने लगातार 3 मैच हारा लिए हैं 19वें ओवर में दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने आज के मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ किया और दोस्तों 16 रन दे दिए। और इसके साथ ही दोस्तों हमारी युजी चहल भी थोड़ा सा फीके नजर आ रहे हैं। वो गेंदबाजी में अपनी धार बरकरार नहीं रख पा रहे हैं और उनकी जो फिरकी है वो ज्यादा चल नहीं रही है। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे अक्षर पटेल हैं, दोस्तों अक्षर पटेल ने ये दिखाया है कि वो जडेजा की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं बॉलिंग में दोस्तों। बैटिंग चाहे उनकी थोड़ी सी खराब भी हो, परंतु बॉलिंग में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और वे आज से नहीं, एक दो सालों से ही मैं देख रहा हूँ उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है। टेस्ट मैच में भी उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट लिए थे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी काफी अच्छा, ग्रीन ने अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों। और उनके विकेट के कीपर बल्लेबाज वेड ने भी अच्छा मैच फिनिश किया और वो फिनिशर की भूमिका अच्छा निभा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मुझको एक समझ में नहीं आ रही एक बात, जो जो हमारे जो विकेट कीपर दिनेश कार्तिक हैं, उनको अक्षर पटेल से भी पीछे भेज रहे हैं और दोस्तों उनको फिनिशर से के रोल में देख रहे हैं। परंतु उस फिनिशर का भी क्या मतलब, जब टीम इंडिया को जरूरत हो तब वो छक्के नहीं लगा सकते। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो शुरू से ही छक्के लगाने वाले प्लेयर है ग्रीन ने जबरदस्त पारी खेली, और एरन फिंच ने पहली ही बॉल पे छक्का लगाया दोस्तों। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि इंडियन टीम यहाँ पर थोड़ा लैक कर रही है, प्लानिंग में लैक है, परंतु कोई बात नहीं। अगले मैच में इंडियन टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडियन टीम जीतेगी। और अगला मुकाबला दोस्तों नागपुर में खेला जाएगा। पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया और दूसरा नागपुर में खेला जाएगा। आपको कैसा लगता है, आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।